गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम प्रांशी रस्तोगी। टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन डबल इंट्रो सिस्टम, डीमेरिट्स ऑफ डबल इंट्रो सिस्टम। सबसे पहले अगर डीमेरिट्स देखें तो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स। बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं डबल इंट्रो सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है डीमेरिट्स का नीड फॉर ट्रेनिंग, और इसमें क्या होती है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। मतलब अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम कोई भी अच्छी डबल एंट्री सिस्टम के वर्क से नहीं कर पाएंगे, कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर एंट्री ओमिटेड इन अ ओरिजिनल बुक कैन नॉट बी लोकेटेड। कह रहा है कि अगर एंट्री ओमिट हो गई, छूट गई अगर ओरिजिनल बुक में, तो हम उसको लोकेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी लोकेटेड। कंपनसेटरी एरर कैन बी लोकेटेड। कंपनसेटरी एरर जैसे होते हैं, एक साथ कंपनसेट हो गए एरर कोई, तो कैन नॉट बी लोकेटेड ईजली, हम उसको लोकेट नहीं कर पाते ईजली। अब कंपनसेटरी एरर क्या होता है, इफ़ देयर इज़ अ कंपनसेटरी एरर मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पोस्टिंग इन ए लेजर, जब लेजर के टाइम में हमने कुछ कंपनसेटरी एरर कर दिया, इट कैन नॉट बी ईजली लोकेटेड इन अ डबल एंट्री सिस्टम। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने फर्नीचर परचेस किया, तो ये हमने रोज़ तो हम फर्नीचर परचेस करते नहीं हैं, साल में एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, और उसमें हमने क्या कर दिया, एक्सपेंस में दिखा दिया कि हमने क्या किया, परचेस किया है। एसेट होती है ना फर्नीचर, तो एसेट होती है, हमने एक बार ख़रीद लिया वो चलती जाएगी लाइफ टाइम के लिए, बट हमने उसको क्या किया, एक्सपेंस में दिखा दिया भूल से। 1 लाख का फर्नीचर हमने ख़रीदा था, उसको एक्सपेंस में दिखा दिया, तो क्या हुआ, प्रिंसिपल एरर। मतलब हमने किसी एसेट को हमने क्या किया, एक्सपेंस के तरह दिखा दिया। एक्सपेंसिव भी होता है कि इसको, मतलब ट्रेंड एम्प्लॉय बुलाना पड़ता है इसके लिए, जिसके पास ट्रेनिंग होती है वही ये काम कर पाता है। तो ये क्या होता है, डबल इंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एक्सपेंसिव एंड अ स्मॉल बिजनेसमैन कैन नॉट अफोर्ड इट। कह रहा है कि इसको जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। नंबर ऑफ बुक्स आर कैप्ट अंडर दिस सिस्टम एंड ट्रेंड स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन देम। कह रहा है बहुत सारी इसमें बुक्स बनती है, कैप्ट की जाती है डबल इंट्री सिस्टम में, और ट्रेंड स्टाफ को भी रिक्वायर्ड किया जाता है टू मेंटेन देम। और वो बुक तो कोई नॉर्मल इंसान कर नहीं पाएगा, जो ट्रेनिंग लिया होगा उस वही क्या करेगा, वही बुक मेंटेन कर पाएगा। फिर हाँ, और उसके लिए हायर रेमुनरेशन भी चार्ज करता है, जो ट्रेनिंग स्टाफ होगा, अगर ट्रेंड स्टाफ का बुलाएंगे तो क्या करेगा, उसको आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, वो थोड़ी ना फ्री में काम करेगा। फिर कुछ आती है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स या शब्द कह लो जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में यूज़ आते हैं। सबसे पहला आता है बिजनेस। अब बिजनेस क्या, एवरी लीगल इंटरप्राइज सेट अप विथ अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। कह रहा है कि जितने भी लीगल इंटरप्राइज होते हैं सेट अप किए जाते हैं विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। उनको क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्टिविटीज़ फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस। कह रहा है कि जितनी भी प्रोडक्शन होते हैं गुड्स के, या बाइंग एंड सेलिंग होती है, बैंकिंग बिजनेस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्टिविटीज़ फॉर्म करते हैं, मतलब बनाते हैं, एक पार्ट ऑफ बिजनेस के होते हैं। फिर आया प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन मीन्स एंड इंक्लूड दैट वर्क विच रिक्वायर्ड स्पेशल जिसमें रिक्वायर्ड होती है एक स्पेशल ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी फॉर प्रोफेशन, और कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए हमें प्री ट्रेनिंग लेना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल, वर्क ऑफ अ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट प्रोफेशन। ये सब क्या है, प्रोफेशन है। फिर प्रोप्राइटर आया, द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर हु कमेंस द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल हु अल्टीमेटली गेट द प्रॉफिट और सफर लॉस इन अ बिजनेस। कह रहा है कि ओनर वो होता है बिजनेस में जो बिजनेस कमेंस करता है, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके सुपरवाइज करता है, और उसका जो अल्टीमेट गेट, उसको क्या मिलता है, जो अल्टीमेटली जब वो बिजनेस कोई भी सेटअप करता है तो उसको या तो प्रॉफिट होता है या तो फिर वो सफ़र करता है लॉस। सोल ट्रेडर इन द केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप, पार्टनर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, और शेयर होल्डर इन द केस ऑफ कंपनी, एंड मेंबर इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉल्ड प्रोप्राइटर्स। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट विच इज़ इनिशियली इन्वेस्टेड बाई प्रोप्राइटर वाइल कमेंसिंग हिज बिजनेस। कह रहा है अगर कैपिटल देखा जाए तो कैपिटल एक अमाउंट होता है कैश,
या तो गुड्स हो सकता है, या तो पैसा हो सकता है, या कोई एसेट हो सकती है। जब हम इनिशलाइज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बाय द प्रोप्राइटर। कौन इनिशलाइज करता है इन्वेस्टमेंट में? प्रोप्राइटर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस में कोई करता है तो वो प्रोप्राइटर है। वेल कमेंसिंग अ बिजनेस, जब हम बिजनेस को कमेंस करते हैं। फिर आया ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है? ड्रॉइंग इज दैट अमाउंट ऑफ कैश और गुड विच इज विड्रॉन बाई द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर देयर प्राइवेट यूज़। कह रहा है कि वो अमाउंट होता है कैश या गुड्स का विच इज़ विड्रॉन बाई द प्रोप्राइटर, जो विड्रॉन मतलब निकाला जाता है। कौन निकालता है? प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। और ड्रॉइंग रिड्यूस द कैपिटल, अगर हम जितनी ड्रॉइंग करेंगे वो क्या करेगी? कैपिटल रिड्यूस करेगी अपना। गुड्स, गुड्स क्या होता है? द आर्टिकल परचेज फॉर सेलिंग टू अर्न प्रॉफिट, और अ रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड आर्टिकल देन सेलिंग टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स क्या होता है? जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग गुड्स कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। परचेज क्या होता है? द गुड ब्रॉट फॉर बिजनेस और कॉल्ड परचेज। जो हम लोग गुड्स ब्रॉट मैंने खरीद के लाते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसको हम लोग परचेज कहते हैं। परचेज में भी टू टाइप होता है, कैश परचेजेज और क्रेडिट परचेजेज। जिस कैश परचेजेज वो होता है जिसमें परचेज करते टाइम पैसे देते हैं, और क्रेडिट परचेज वो होता है जिसमें हम उधार में, क्रेडिट का मतलब उधार में हम जो गुड्स खरीदते हैं। परचेज रिटर्न, जो भी हमने परचेज किया अगर कुछ बाय द मिस्टेक डिफेक्ट हो गया या बाय मिस्टेक कुछ गलत आ गया तो उसको क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न का अनदर नेम है, या उसको ऑल्सो नोन एज भी कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। फिर सेल आता है। सेल में क्या होता है? ट्रांसफ़र होती है किसी गुड्स की, ओनरशिप इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स के। सेल इज़ वॉलेंट्री लीगल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। सेल रिटर्न भी होता है, कभी कभी कुछ चीज़ सेल कर दो और वो डिफेक्टिव निकल जाए तो कस्टमर आके सेल रिटर्न कर देता है। स्टॉक अनसोल्ड गुड्स को कहते हैं, जो रिमेनिंग बचा रह जाता है ना पर्टिकुलर डेट और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। थैंक यू क्लास।